तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास मीवी की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग सा TWS है, जिसका नाम है दोस्तों मीवी डुओपोड K5। इसे गाइज मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में 899 में परचेज कर लिया था। बॉक्स अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जैसे इसके साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉलिंग क्वालिटी। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले गाइस बॉक्स को देख लीजिए, बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ दोस्तों इन्होंने मीवी की ब्रांडिंग दे रखी है और दोस्तों 3D पिक्चर लगाई इन्होंने एक TWS की। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट दे रखे, सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स कंटेंट में दोस्तों आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाएगा और दोस्तों एक वेलकम कार्ड भी इन्होंने दे रखा है। 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं जो आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे और दोस्तों टाइप सी इंटरफेस के साथ आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा है। फुली सर्कुलर शेप में इसका केस देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों फुली मैट फिनिश के साथ ये केस आपको मिलेगा और गाइस इसमें जो प्लास्टिक की यूज किया वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। यहां पर दोस्तों आपको मिल जाता है टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट और दोस्तों यहां पर इन्होंने मीवी की ब्रांडिंग दे रखी है। हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी मुझे काफी ठीक लगी, बिल्कुल भी लूज नहीं है और दोस्तों अंदर की साइड इन्होंने जो प्लास्टिक यूज किया वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। यहां पे दोस्तों लेफ्ट राइट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आप अपने केस को उल्टा कर रहे हैं तो दोस्तों आपके बर्ड्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। यहां पे 4 लाइट इंडिकेटर भी लगाएं जिससे आप अपनी बैटरी का स्टेटस चेकआउट कर पाएंगे। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी ठीक ठाक लगी है। फुली ग्लॉसी टाइप की बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर दोस्तों इन्होंने चार्जिंग पिंस लगाए और दोस्तों इस साइड इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। बेड की बात करूं तो दोस्तों बेड भी मुझे काफी कम लग रहा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो आपको इरिटेशन वगैरह महसूस नहीं होगा। इसके फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों कंफर्टेबल मुझे काफी ज्यादा ये TWS लगे हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म लगा के रखेंगे तो आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा और दोस्तों फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाएंगे। अगर आप इसे रनिंग के टाइम या वर्कआउट के दौरान यूज करो तो आपके ईयर से बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ब्लूटूथ वर्जन इन्होंने काफी लेटेस्ट दे रखा है, बहुत जल्दी से आपके डिवाइस में ये पेयर भी हो जाते हैं। और गाइस साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी ऑडियो AAC का कोडेक भी मिल जाता है। इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि कितने मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिलता है। मैं आपको एक गेमिंग का टेस्ट करके दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है, अगर आप इसे गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको लेफ्ट बार पर 3 बार टैप करना है, आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। गेमिंग टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों इससे मैंने 2-4 गेम्स भी प्ले करे थे, मुझे दोस्तों इसमें माइनर सी लेटेंसी लगी है। तो गाइस कैजुअली गेमिंग के लिए काफी ठीक है ईयरबड रहेगा, अगर आप प्रोफेशनली गेमिंग करते तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ईयरबड्स आपको IPX4 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों पानी की थोड़ी बहुत इस पे बूंदे गिर जाएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और गाइस वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों बैटरी बैकअप इसका मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। केस की बैटरी लगभग आपको 50 आवर का प्ले टाइम दे देती है अगर आप इसे म्यूजिक सुनने के लिए यूज करोगे तो। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों वहां पर आपको 45 आवर का प्ले टाइम मिल जाएगा और दोस्तों बर्ड्स की बैटरी आपको लगभग 5 to 6 आवर का प्ले टाइम दे देती है सिंगल चार्ज पे। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे लगभग आपको मिल जाता है 4 आवर का प्ले टाइम। बर्ड्स आपके लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगे और दोस्तों केस लगभग आपका 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको 500 मिनट का प्ले टाइम ये बर्ड्स आपको देने वाले हैं। कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों मैंने आउटडोर में भी जाके इससे कॉलिंग किया और दोस्तों इनडोर में भी कॉलिंग कर रहा था। माइक्रोफोन और स्पीकर इसके काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी
और गाइस इसमें आपको साथ ही साथ मिल जाता है AI नॉइस कैंसिलेशन। जब दोस्तों मैं आउटडोर में इसे कॉलिंग कर रहा है तो दोस्तों बाहर से आने वाली नॉइस ये लगभग 80% तक कैंसिल कर रहा था, 20% आ रही थी। मैंने अपने फ्रेंड से बात करी थी, वो दोस्तों मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वो मैं आपको सुना भी देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर और गाइस एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, बढ़िया यार। थोड़ी हेल्प कर, मेरे पास एक मीवी का TWS है, ठीक है, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बता मेरी आवाज तेरे पास किस तरीके से आ रही है? आवाज आवाज तो क्लियर है। अच्छा, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं। अच्छा, इसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड भी है, ठीक है, तो अभी मैं आउटर एरिया में खड़ा हूँ तो बाहर से कुछ नॉइस आ रही है तेरे पास बैकग्राउंड की? ये 70-80% कैंसिल कर रहा है। 70-80% कैंसिल कर रहा है? हाँ। अच्छा, 20% लगभग आ रही है। हाँ हाँ, चल ठीक है, थैंक यू। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड की क्वालिटी के बारे में। दोस्तों पूरा एक दिन मैंने इस TWS को यूज भी किया है, हर तरीके के ऑलमोस्ट मैंने गाने भी सुने, जैसे बॉलीवुड गाने, क्लासिक गाने और दोस्तों कुछ हिप हॉप सॉन्ग भी सुन रहा था। साउंड की क्वालिटी दोस्तों प्राइस के हिसाब से मुझे काफी ठीक ठाक लगे, लाउडनेस भी काफी ठीक ठाक इसमें आपको मिल जाती है। अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं देगा और गाइस बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं छोटे मोटे वो भी आपको काफी क्लियरली सुनाई देते हैं, लेकिन दोस्तों वोकल्स में थोड़ा और इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। गेमिंग मोड ऑन करने के बाद अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी लैग सुनाई नहीं देगा और दोस्तों थिएटर वाला फील आने वाला है। अब बात आती है इस प्राइस सेगमेंट में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से वन बाय वन करके बता दिए, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में मुझे काफी ठीक ये TWS लगे हैं। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो गाइज यही था मीवी डुओपोर्ट K5 का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए या इसी तरीके का आगे भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।